शुरुआत आज से हो चुकी है। वैक्सीनेशन के अगले फेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कोविन वेबसाइट या फिर सरकार की तरफ से तय दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए होगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट लेना होगा और आज से शुरू हो रहे इस फेज में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया। सबसे खास बात यह है, लेकिन यहां पर वैक्सीन लगवाने वालों को कुछ शुल्क देना होगा। 250 रुपए शुल्क सरकार ने तय किया है। चलिए तो हम रुक करते हैं मध्य प्रदेश के दो बड़े शहरों का, क्या है यहां पर स्थिति आज से शुरू हो रहे इस फेज के लिए। हम रुक करते हैं राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर शहर का। हमारे साथ भोपाल से वासु चौरे, इंदौर से अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप और आज से शुरू हो रहे फेज के लिए क्या तैयारियां सरकार ने की है, क्या आप हलचल देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए कोविड-19 वैक्सीनेशन का आज से जो तीसरा दौर है वो शुरू हो रहा है। अभी हम मौजूद हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए यहां पर जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है और पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो करीब 186 सेंटर्स में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना है। अगर दो फेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने 85% जो टारगेट है वो हासिल कर लिया है। सर, सुबह 6 बजे हमने देखा मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई और 9 बजे हम देख रहे हैं विश्वास सारंग जी पहुंचे वैक्सीन लगवाने। मैं तो अभी उस क्राइटेरिया में नहीं हूँ, 60 साल से छोटा हूँ मैं तो। प्रधानमंत्री जी ने लगवाई, उनको बहुत बधाई। और प्रधानमंत्री जी ने जो भी भ्रामक प्रचार कांग्रेस के नेता और बाकी विपक्षी नेता करते थे उस पर आज लगाम लगाई है। प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया है कि वो सही मायने में इस देश के सच्चे सेवक हैं। सर, 85% जो टारगेट है वो पूरा कर लिया गया और अब अगले चरण की हम और हम बढ़ रहे हैं। अभी हम सेकेंड नंबर पे हैं तो यही जो क्रम में बरकरार रहने वाला है। निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में चौक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ पहले चरण में हम नंबर 1 पर थे, दूसरे चरण में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में, और ये जो तीसरा चरण है जिसमें 60 साल से ऊपर के हितग्राहियों को वैक्सीन लगेगी वो भी हमारी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। सर, कितने सेंटर प्रदेश में और करीब क्या टारगेट है? सरकारी के तो 1200 सेंटर हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की है। हम हर जगह सुव्यवस्थित रूप से वैक्सीन को लगाएंगे। तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे दीपक। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए जो पूर्ण रूप से जो सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोल्ड स्टोरेज डेवलप करने की बात हो या फिर वैक्सीनेशन के पर्याप्त डोज की उपलब्धता हो, वो पूरे मध्य प्रदेश में है और सिर्फ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि जो दूर दराज के जो शहर हैं, जिले हैं, वहां पर भी वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। इनके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। 13 मेडिकल कॉलेजेस में भी वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी, यानी कि कहा जा सकता है कि जो कोविड का टीका है वो जो हितग्राही हैं उनको आसानी से मिल सकता है। कोविड ऐप के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो यूनिक आईडी जनरेट होगा। यानी हम ओवरऑल कह सकते हैं वासु, राजधानी भोपाल में तैयारियां बिल्कुल जोरों पर की गई हैं और मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। इंदौर का भी हम रुख कर लेते हैं। वासु, बने रहिए आप, अखिलेश सेन हमारे साथ बने हुए। अखिलेश, इंदौर के किस सेंटर पर आप इस वक्त मौजूद हैं और आज से शुरू हो रहे इस फेज को लेकर क्या तैयारियां, क्या हलचल आप देख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, इंदौर ने फुल तैयारियां कर ली है और इससे पहले कि आज थर्ड फेम शुरू हो गया है वैक्सीनेशन का, तो फिलहाल हम PCCT अस्पताल में मौजूद है। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दीपक जी, जो तैयारी है वो पूर्ण कर ली गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और उसके बाद साथ ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं तो लोगों के अंदर खासा उत्साह है। लेकिन एक समस्या आ रही है दीपक, जो ऐप है वो अभी उसकी वेबसाइट नहीं खुल पाई है तो जो लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो हमारे साथ कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह। सर, आज आप वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं? जी जी। सर, कैसे आपको सूचना मिली? वो तो न्यूज़पेपर वगैरह में आया ना कल। आपने रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं, रजिस्ट्रेशन का पोर्टल नहीं चल रहा है, मैंने ऑनलाइन में ट्राई किया तो वो ऐप अभी नहीं ले रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कुछ। तो बिल्कुल दीपक, जो ऐप है वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो जो हालांकि जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो लोग आए हुए हैं उनको वैक्सीनेशन कर दिया जाए और उनका जो रजिस्ट्रेशन, जो वोटर आईडी है वो उनका जमा कर लिया जाए ताकि जो वैक्सीनेशन का काम है वो पूर्ण तरीके से हो जाए। तो हमारे साथ कुछ और रहे बुजुर्ग हैं जो आए हुए हैं। सर, क्या नाम आपका? सतीश कुमार जैन। सर, कहाँ से आए हैं? जावरा कंपाउंड से। सर, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आए? हाँ जी। सर, रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं, हुआ नहीं, कोशिश करी थी पर नहीं हुआ। तो या ऑफलाइन कराने करा के हाथ के हाथ करवा लेते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कुछ इनका भी साइट पे डाउनलोड नहीं हो रहा। तो
बिल्कुल दीपक, ये सेकंड थर्ड डोज शुरू हो गया है, लेकिन जो कोविन ऐप है वो अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना भी करना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि लोगों में तो उमंग है, उत्साह है एक वैक्सीन लगवाने का, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो जिस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उससे कहा जा सकता है कि जो वैक्सीन को लेकर इनमें खासा उत्साह है। बिल्कुल अखिलेश, ठीक कहा आपने। इस खबर का एक अच्छा पहलू, सकारात्मक पहलू यही है कि लोग अब घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक यहां पर तैयारियां भी पूरी की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए इंदौर से। पासु आपका भी धन्यवाद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, खबर पर बातचीत की।